हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज आपको सेमीकंडक्टर के बारे में क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर डायोड, पहला चैप्टर है ये सेमीकंडक्टर डायोड। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर, तो इसके बाहरी सेल में चार इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? चार इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसकी क्रिस्टल संरचना कैसी होती है? इसकी क्रिस्टल संरचना टेट्राहेड्रॉल होती है। समझ में? समचतुष्फलकी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समचतुष्फलकीय। क्या होता है? समचतुष्फलकीय, ठीक है। टेट्राहेड्रॉल क्या होता है? टेट्राहेड्रॉल। अब यहाँ पे क्या है, ये डायमंड के जैसी होती है। इसकी क्रिस्टल संरचना कैसी होती है? डायमंड के जैसी, जैसे डायमंड के होते हैं, डायमंड के समान। ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल की अगर मैं बात करूं, मटेरियल जैसे आपका हो गया जर्मेनियम हो गया, फिर सिलिकॉन हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, ऐसे तमाम सारे जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का यूज किया जाता है। तो क्यों यूज किया जाता है? जैसे सिलिकॉन की टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी तथा सिलिकॉन की टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी तथा इसमें लीकेज करंट कम होती है, कैपेसिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है तथा सिलिकॉन में लीकेज करंट कम होता है जर्मेनियम की तुलना में। समझ में आया? जर्मेनियम की तुलना में जो सिलिकॉन में हमारा लीकेज करंट होता है वो क्या होता है? कम होता है। अब आगे देखते हैं, इतना मिटा देते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है और लिखते जाना है, ठीक है। तो जैसे हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसे जर्मेनियम हो गया और क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है। जर्मेनियम का कितना होता है? 32, और इसका कितना होता है? 14 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 18 और उसके बाद कितना है आपका, 2, 8, 18 आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2, 8, फिर 4 हो जाएगा।
तो देखिए बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये भी चीज़ पूछा जाता है, जर्मेनियम का 32 होता है, सिलिकॉन का आपका कितना होता है, 14 होता है। देखिए सिलिकॉन आईसी जो है, आईसी किसकी बनती है, आईसीएस इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, सर्किट्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है, बना होता है। आजकल जितने माइक्रो प्रोसेसर चिप बन रहे हैं, आईसीज बन रही हैं, सब सिलिकॉन की ही बनी होती हैं, होती है। सिलिकॉन की बन रही हैं, ठीक है। ये हो गया। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक गुणांक नेगेटिव होता है। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, सेमीकंडक्टर का एनर्जी एनर्जी बैंड गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। जैसे अगर जर्मेनियम की बात करें तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर सिलिकॉन की बात करें 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। अब गैलियम आर्सेनाइड की बात करें तो 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई है। यहाँ पर लिख दें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई है, छोटी इकाई है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी बैंड गैप है, ये क्या है, एनर्जी बैंड गैप। आपको अच्छे तरीके से पता है कि एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी बैंड गैप के बारे में पहले शुरुआत में हमने क्या किया था, बताया था। ठीक है, जैसे एक होता है कंडक्शन बॉन्ड, एक होता है आपका कंडक्शन बॉन्ड, और एक होता है हमारा क्या, बैलेंस बॉन्ड। क्या होता है, बैलेंस बॉन्ड। तो कंडक्शन बॉन्ड का ये हमारा क्या है, लोअर एनर्जी लेवल है, EL, समझ में आया। और ये क्या है, ये हमारा EC, और ये इसका क्या है, हायर एनर्जी लेवल है। अगर इसकी बात करें तो EV हो जाएगा, समझ में आया। तो वैलेंस बॉन्ड का हायर एनर्जी लेवल है और कंडक्शन बॉन्ड का ये लोअर एनर्जी लेवल है, ठीक है। क्या है, देखिए ये वाला क्या है, नीचे है ना, ये वाला क्या है, ऊपर है। तो कंडक्शन बॉन्ड का ये हायर एनर्जी लेवल है, वैलेंस बॉन्ड का ये वाला ऊपर वाला हायर एनर्जी लेवल है, जबकि नीचे वाला क्या है, लोअर एनर्जी लेवल है। तो जो हमारा क्या कहते हैं एनर्जी बैंड गैप होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप। अगर डिफिनेशन इसका देखेंगे तो इनके बीच जो हमारा मतलब डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, उसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं, ठीक है। वो भी सेमीकंडक्टर के लिए जो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। अभी देखिए इसके बारे में और अच्छी तरीके से बताएंगे। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो एनर्जी होती है, ये क्या बताती है, एनर्जी बैंड गैप किस में होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऐसी एनर्जी है जो किसी मटेरियल को अगर दिया जाए, या फिर सेमीकंडक्टर मटेरियल को दिया जाए, तो उस कंडीशन में वैलेंस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में जाएंगे, कंडक्शन बॉन्ड में। और जब कंडक्शन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो फ्री होंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसकी वजह से धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा, ठीक है। जिसकी वजह से धारा का क्या होगा, हमारा
प्रवाह होगा। तो पहले एनर्जी बैंड गैप के मतलब डिफिनीशन के बारे में हम देख ले रहे हैं कि कंडक्शन बैंड के लोअर एनर्जी लेवल, तथा वैलेंस बैंड के हायर एनर्जी लेवल, के डिफरेंस को एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। एनर्जी बैंड गैप कहते हैं, ठीक है। कंडक्शन बैंड के लोअर एनर्जी लेवल तथा वैलेंस बैंड के हायर एनर्जी लेवल क्या है, ईवी है, इसका क्या है, ईसी है, इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। तो ईजी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ईसी, इसकी एनर्जी इससे क्या है, ज़्यादा है, तो ईसी माइनस आपकी क्या होगी, ईवी हो जाएगी। तो इसका यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऐसी एनर्जी है जो जब किसी मटेरियल को मिलती है, या जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल को मिलेगी, तो उसमें वैलेंस बांड से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में जाएगा, कंडक्शन बांड में, जिसकी वजह से धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। समझ में आया, एक ऐसी एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बांड से कहाँ पर पहुँचाती है, कंडक्शन बांड में। आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऐसी एनर्जी है, ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई है, जो एक ऐसी एनर्जी है जो वैलेंस बांड से इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर पहुँचाता है, कंडक्शन बांड में पहुँचाता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई है जो वैलेंस बांड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बांड में पहुंचाती है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा, एनर्जी बैंड गैप रहा, इसी को एनर्जी बैंड गैप बोला जाता है। तो सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड गैप जो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जैसे जर्मेनियम के लिए अलग होगा, सिलिकॉन के लिए क्या होगा, अलग होगा। जर्मेनियम आर्सेनाइड फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड के लिए क्या होगा आपका, अलग होगा, 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, याद रखना है। अब लीकेज करंट की अगर मैं बात करूं, लीकेज करंट क्या होता है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। तो जर्मेनियम के लिए जो लीकेज करंट होता है, जर्मेनियम के लिए जो हमारा लीकेज करंट होता है वो आपका माइक्रो एम्पियर में होता है। क्या होता है, माइक्रो एम्पियर में। जबकि सिलिकॉन के लिए जो हमारा लीकेज करंट होता है, वो नैनो एम्पियर में होता है। किस में होता है, नैनो एम्पियर में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है। तो देखिए, अगर नैनो की बात करें तो नैनो क्या होता है, माइक्रो से कम होता है। तो सिलिकॉन में जो है हमारा लीकेज करंट क्या होता है, कम होता है, जबकि जर्मेनियम में लीकेज करंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। लीकेज करंट हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, समझ में आया। लीकेज करंट किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मतलब क्या है कि अगर जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो हमारा लीकेज करंट क्या होगा,
बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो लीकेज करंट हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इतनी बातों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब दूसरी बात क्या है, लीकेज करंट जो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण क्या करता है, फ्लो करता है। हमेशा जो लीकेज करंट होगा वो किसके कारण होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होता है। यह मतलब लीकेज करंट, यह हमेशा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होता है। आप कहेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मतलब है अल्पसंख्यक वाहक, समझ में आया। ये क्या होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन या होल हो सकते हैं। माइनॉरिटी में क्या हो सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन या होल हो सकते हैं, समझ में आया। ये क्या हो सकते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो सकते हैं। ठीक है, या तो आपका होल होगा या तो आपका क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोल रहे हैं वो क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अल्पसंख्यक आवेश वाहक है। ठीक है, तो या तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है या तो होल हो सकता है। तो इनकी संख्या, मतलब इनकी संख्या कम में होगी, किस में होगी, कम में, ज़्यादा में नहीं होगी, समझ में आया। अब वो संख्या जो है किसकी हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन की हो सकती है या तो होल की हो सकती है। तो इसी को क्या बोला जाता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ती है। जैसे मान लीजिए अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ती है, की संख्या बढ़ती है। ठीक है, देखिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर टेम्परेचर की बात बार बार आएगी, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, और कैसे बढ़ती है वो सारी चीज़ें आगे आपको बताएंगे, जब सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में वहाँ पर आपको हम इसको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, कि कैसे बढ़ रही है, कैसे टेम्परेचर बढ़ने पर जो है लीकेज करंट क्या होती है, बढ़ती है, कैसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्या करेंगे, हम बताएंगे। लीकेज करंट सेमीकंडक्टर में फ्लो होगी, लीकेज करंट जर्मेनियम और सिलिकॉन सब में क्या होती है, अलग अलग होती है, जैसा कि हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया। जर्मेनियम के अपेक्षा सिलिकॉन का यूज क्या किया जाता है, सबसे कम ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके उसमें लीकेज करंट कम होता है, टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ज़्यादा होते हैं सिलिकॉन के। आज का क्लास यहीं तक, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और उसके बाद जो है जो लोग चैनल पे नए हैं सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, कंटिन्यू क्लास चलेगी। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। अब जो सेमीकंडक्टर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, तो उनके बारे में आपको क्या करेंगे, बताएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।